डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिजिजेल एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन प्रॉब्लम्स 11 एंड 12 show that the given sequence Zn converges to a complex number L by computing limit n approaches to infinity, real of Zn and limit n approaches to infinity, imaginary of Zn। यानी इस क्वेश्चन में भी हम थ्योरम 6.11 ही यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द गिवन सीक्वेंस इज जेड एन विच इज इक्वल टू 4n प्लस 3n आयोटा ओवर 2n प्लस आयोटा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस सीक्वेंस को रियल ऑफ जेड एन और इमेजिनरी ऑफ जेड एन में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम इस सीक्वेंस को 2n माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। फिर स्टूडेंट्स आप इस टोटल वैल्यू को इस 2n माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें और 2n प्लस आयोटा को 2n माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स आप 4n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 4n को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, फिर आप 3n आयोटा को 2n से और इसी 3n आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें। तो देखें, जब आप 4n को 2n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 8n स्क्वायर। फिर आप 4n को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है माइनस 4n आयोटा। जब आप 3n आयोटा को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 6n स्क्वायर आयोटा। लास्ट में आप 3n आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है माइनस 3n आयोटा स्क्वायर। ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2n प्लस आयोटा इनटू 2n माइनस आयोटा, यानी ये हमारे पास a प्लस बी इनटू a माइनस बी की फॉर्म में। तो जब आप इस सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारे पास है 2n, तो जब आप 2n का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर और साथ में आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के माइनस आयोटा स्क्वायर ये हमारे पास होता है पॉजिटिव 1 और सिंपल आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास नेगेटिव। तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो जब आप स्टूडेंट्स इस आयोटा स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लस हो जाएगा। यानी इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के विद आउट आयोटा वाले टर्म्स को हमने अलग करना है और साथ में ये आयोटा वाले टर्म्स को अलग करना है। जब आप इस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 3n, यानी आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 3n प्लस आयोटा। यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी है, तो आप यहां से आयोटा कॉमन लें तो आ जाएगा आयोटा इंटू 6n स्क्वायर माइनस 4n और आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1, यानी इस माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आप प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि इस टर्म को आप 4n प्लस 1 से यानी डिवाइड करेंगे और प्लस आयोटा। फिर आप करेंगे स्टूडेंट्स इस 6n स्क्वायर माइनस 4n को डिवाइड करेंगे आप 4n स्क्वायर प्लस 1 से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सीक्वेंस का रियल पार्ट और फिर ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस का इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस हो तो अगर आपने उसे रियल ऑफ जेड एन और इमेजिनरी ऑफ जेड एन में कन्वर्ट करना है तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी यानी आयोटा के साथ वाली जो भी वैल्यू होगी जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होगा तो आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से साइन चेंज करना है, उसे आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, फिर आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स रियल ऑफ जेड एन
और ये आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी ऑफ जेड। फिर स्टूडेंट्स आप क्या करें, इनकी लिमिट्स फाइंड करें। तो देखें रियल ऑफ जेड एंड की लिमिट फाइंड करने के लिए हम इसे स्टूडेंट्स इसे इस सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें ये सिंपल फॉर्म कैसे आई है, यहां से भी आप एन स्क्वायर कॉमन लें, यहां से भी कॉमन लें, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर इन टू एट प्लस थ्री एन ओवर एन स्क्वायर। ओवर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एन स्क्वायर इन टू फोर प्लस वन ओवर एन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल, इस एन से ये एक एन कैंसिल, तो ये बन जाएगा एट प्लस थ्री ओवर एन ओवर फोर प्लस वन ओवर एन स्क्वायर। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो थ्री ओवर एन ये भी जीरो बन जाएगा, वन ओवर एन स्क्वायर ये भी जीरो बन जाएगा, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा एट ओवर फोर। एट ओवर फोर क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास टू के इक्वल होता है। यानी देयर फोर रियल ऑफ जेड एन अप्रोचेस टू टू एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यानी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर हमने रियल ऑफ जेड एन की लिमिट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे। यानी हम ये फाइंड करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रियल ऑफ जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर भी जो भी वैल्यू होगी आप उस पर भी लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास एट प्लस थ्री ओवर एन और फोर प्लस वन ओवर एन स्क्वायर आ रहा था। जब आप लिमिट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी जीरो, इसकी भी लिमिट आ जाएगी जीरो, तो ये बन जाएगा एट ओवर फोर विच इज इक्वल टू टू एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दिस इज बिकॉज वन ओवर एन स्क्वायर और वन ओवर एन ये दोनों स्टूडेंट्स जीरो को अप्रोच करते हैं जब एन अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी, ये रीजन थी। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इमेजिनरी ऑफ जेड एन के लिए। तो यहां पर ये वैल्यू गिवन है सिक्स एन स्क्वायर माइनस फोर एन ओवर फोर एन स्क्वायर प्लस वन। यानी हमें इमेजिनरी ऑफ जेड एन की वैल्यू गिवन है सिक्स एन स्क्वायर माइनस फोर एन ओवर फोर एन स्क्वायर प्लस वन। तो यहां पर भी आप स्टूडेंट्स क्या करें, इसी एन स्क्वायर को कॉमन लें, और जब आप कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल, सिंपल आ जाएगा सिक्स माइनस फोर ओवर एन ओवर फोर प्लस वन ओवर एन स्क्वायर। इसकी लिमिट कैलकुलेट करें, ये भी जीरो आ जाएगी, ये भी जीरो आ जाएगी, सिंपल आ जाएगा सिक्स ओवर फोर, जिसे आप डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा थ्री ओवर टू। यानी इमेजिनरी ऑफ जेड एन अप्रोचेस टू थ्री बाय टू एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। नो वी कैन यूज थ्योरम 6.11 टू आवर एडवांटेज, सो जेड एन कन्वर्जेस टू ए प्लस एटा बी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ रियल ऑफ जेड एन कन्वर्जेस टू ए एंड इमेजिनरी ऑफ जेड एन कन्वर्जेस टू बी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल रियल नंबर्स। यानी स्टूडेंट्स यहां पर जब रियल ऑफ जेड एन इसने अप्रोच किया था टू को, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए की वैल्यू थी। इसी तरह जब इमेजिनरी ऑफ जेड एन ने थ्री बाय टू को अप्रोच किया था तो ये हमारे पास बी की वैल्यू थी। तो आप क्या करें कि यहां पर ए और बी की वैल्यू पुट करें, सो जेड एन कन्वर्जेस टू टू प्लस थ्री ओवर टू एटा एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। यानी ये क्या कर रही है, कन्वर्जेस है, कन्वर्ज कर रही है, और ये इसकी लिमिट है टू प्लस थ्री ओवर टू एटा। तो यहां पर जो हमें क्वेश्चन गिवन था इसमें हमने स्टूडेंट्स इस एल को फाइंड करा, यानी एल हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल था, ए प्लस एटा बी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल एल की वैल्यू थी, यही हमारे पास इस सीक्वेंस की लिमिट है, और ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें जेड एन की वैल्यू गिवन है वन प्लस एटा ओवर फोर की पावर एन। तो हम स्टूडेंट पहले क्या करेंगे, वन प्लस एटा इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे इसे हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सीक्वेंस गिवन है 1 प्लस एटा ओवर 4 टोटल की पावर n. वी एक्सप्रेस 1 प्लस एटा इन पोलर फॉर्म, सो वी गेट दिस पोलर फॉर्म. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैसे आती है आपको पता होगा कि अगर हमने किसी भी कंप्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास होती है पोलर फॉर्म r into cos of theta plus sin of theta. यहां पर आप लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप लिखते हैं कोई भी नंबर जो हमारे पास है कंप्लेक्स नंबर. ठीक है, यानी यहां पर जो c कंप्लेक्स नंबर है उसकी ये पोलर फॉर्म आ रही है r into cos of theta प्लस आयोटा, यहां पर आयोटा क्या इधर साइन ऑफ थीटा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो हमने आर फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, यानी यहां पर जो यहां पर एक्स होता है और आयोटा के साथ वाई होता है, तो आर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आर की वैल्यू. तो जब आप यहां पर आर की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आती है टू स्क्वायर, यानी इधर x की कीमत भी 1 है और y की कीमत भी 1 है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये बन जाएगा सिंपल 2 स्क्वायर रूट. और देखें अब थीटा निकालने, तो थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स होता है थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स y ओवर x, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होती है. तो यहां पर आप देख सकते हैं y भी 1 है x भी 1 है, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास होते हैं 5/4. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप यहां पर इस फॉर्म में थीटा की वैल्यू पुट करें r की वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस एटा की पोलर फॉर्म बनेगी 2 स्क्वायर रूट इनटू cos पाई बाय 4 प्लस एटा sin पाई बाय 4. तो बाय यूजिंग डी मोवरीज थ्योरम, तो यहां पर 1 प्लस एटा की पावर n ये किसके इक्वल होगा 2 स्क्वायर रूट की पावर n, और साथ में इधर पाई के साथ भी n आएगा, ये आ जाएगा cos n पाई ओवर 4 प्लस एटा sin n पाई ओवर 4. तो अगर हमने स्टूडेंट्स नीचे 4 भी ले आना है तो 4 की पावर भी n है. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 4 की पावर भी n है, इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, ये भी आप लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर हम ये 2 यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने 4 की पावर n को भी कन्वर्ट कर लिया 2 की पावर 2n में. तो अगर हम स्टूडेंट्स इस टोटल zn को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे 1 प्लस एटा, यानी जो ये पावर n है नीचे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 2 की पावर 2n पर डिवाइड करेंगे, तो ये टोटल बन जाएगा 1 प्लस एटा ओवर 4 टोटल की पावर n. तो इधर भी आप स्टूडेंट्स क्या करें 2 की पावर 2n पर डिवाइड करें, तो ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट इस टोटल की पावर n, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 ओवर 2 इस टोटल की पावर n, तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 की पावर n बाय 2, यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n बाय 2, नीचे डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 2n, तो बेस सेम पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n बाय 2 माइनस 2n, जिसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 की पावर इधर एलसीएम 2 आ जाएगा इधर आ जाएगा n माइनस 4n, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 की पावर माइनस 3n ओवर 2, इसे आप लिख सकते हैं 1 ओवर 2 की पावर 3n ओवर 2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है टोटल की वैल्यू, अभी हमने इसे सॉल्व करके चेक कर लिया है, साथ में आ जाएगा cos n पाई ओवर 4, यहां पर ये वैल्यू आ चुकी थी तो इसको हमने क्या किया है कि cos से भी मल्टीप्लाई किया है और sin से भी मल्टीप्लाई किया है, तो अब ये टोटल स्टूडेंट्स अब ये टोटल इस सीक्वेंस की क्या है
ये सीक्वेंस का रियल पार्ट है और ये टोटल आयोटा के अलावा, तो ये टोटल उसका क्या है स्टूडेंट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी ऑफ जेड है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वही लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट इनकी कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ से हमारे पास ए की कौन सी वैल्यू और बी की कौन सी वैल्यू है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नो अब देखें स्टूडेंट्स, हमें गिवन है 1/2 की पावर 3 n/2 cos n पाई ओवर 4, यानी ये हमारे पास क्या था रियल फॉर्म था। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि cos ऑफ थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल देन -1 और लेस देन इक्वल देन 1 होता है, यानी हम यहाँ पर सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अगर हमने यहाँ पर 1/2 की पावर 3 n/2 cos n पाई ओवर 4 बनाना है, यानी हम x की जगह स्टूडेंट्स हम n पाई ओवर 4 यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि 1/2 की पावर 3 n/2 हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी कर देंगे, तो साथ में आप यूज करेंगे cos n पाई ओवर 4, क्योंकि हम x की जगह n पाई ओवर 4 यूज कर रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल देन बन जाएगा -1/2 की पावर 3 n/2 और ये लेस देन इक्वल देन बन जाएगा 1/2 की पावर 3 n/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो अगर इसकी लिमिट और इसकी लिमिट आपस में इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि जो ये वाली सीक्वेंस है इसकी लिमिट भी इन दोनों की लिमिट के इक्वल होगी। ये था हमारे पास सैंडविच थ्योरम जो आपके प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं इस साइड की, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर 3 n/2 cos n पाई ओवर 4, ये जीरो आती है। ये जीरो कैसे आती है, बिकॉज जो ये वैल्यू है स्टूडेंट्स और साथ में जो ये वैल्यू है, ये दोनों जीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं, यानी जब आप लिमिट फाइंड करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/2 की पावर 3 n/2, ये भी इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी और स्टूडेंट्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर 3 n/2 इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। तो अगर इन दोनों की लिमिट सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि जो ये वाली वैल्यू है दरमियान वाली, इसकी लिमिट भी जीरो होगी। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रियल ऑफ जेड एन, ये होता है हमारे पास जीरो होता है स्टूडेंट्स। आप इस यानी आप इसको फाइंड करके चेक कर सकते हैं, इस लिमिट को भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें अगर हमारे पास सिंपल ये होता, अगर फॉर एग्जाम्पल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इधर आ जाता 2 की पावर 3 n/2, तो उस सूरत में ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है अनडिफाइंड होता है, ये हमारे पास क्या होता है अनडिफाइंड। तो अगर ये बटा की फॉर्म में है तो फिर ये लिमिट आ जाएगी जीरो, यानी आपको पता है कि 1/∞ हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट जीरो होता है, इसलिए इसकी लिमिट जीरो आती है। अगर ये इस फॉर्म में होता तो ये इन्फिनिटी लिमिट आती, अनडिफाइंड हो जाता। अगर ये बटा की फॉर्म में आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी लिमिट क्या होती है जीरो आती। सिमिलरली इमेजिनरी ऑफ जेड, ये हमें गिवन है और हम जानते हैं कि साइन एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल देन 1 और लेस देन इक्वल देन 1 होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एग्जैक्टली सेम आर्गुमेंट्स एज बिफोर यील्ड। जैसे कि हमने ऊपर स्टूडेंट्स आर्गुमेंट्स को यूज किया है, तो हम क्या करेंगे इसी इमेजिनरी ऑफ जेड एन के लिए भी वही आर्गुमेंट्स यूज करेंगे, तो ये भी स्टूडेंट्स जीरो को अप्रोच करेगा एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं कि जो रियल पार्ट है वो भी जीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स हम थ्योरम 6.11 यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो सीक्वेंस है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी या अप्रोच करेगी ए प्लस आयोटा बी को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशंस आर होल्ड। ठीक है, तो जब ये कंडीशंस होल्ड होंगी तो इसका मतलब है कि जो जेड एंड है वो अप्रोच करेगा ए प्लस आयोटा बी को, तो यहाँ पर ए की वैल्यू भी जीरो है और बी की वैल्यू भी जीरो है, दिस इम्प्लाइज जेड एंड कन्वर्जेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।
जो हमें क्वेश्चन नंबर 12 में सीक्वेंस गिवन थी स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस भी हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। और इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इन प्रॉब्लम्स 13 एंड 14 यूज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स टू शो दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर हमें एक सीरीज गिवन है, तो हमने पार्शियल सम को यूज करते हुए हमने ये बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अगर पार्शियल सम, अगर आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करें, तो अगर इसकी लिमिट हमारे पास आ जाती है, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और इसकी भी लिमिट वही एल ही होगी जो कि पार्शियल सम की आएगी। यानी हम पार्शियल जो सम निकालते हैं हम ये यानी किसी मखसूस वैल्यूज तक निकाल लेते हैं, यानी हम एन की मखसूस वैल्यूज लेते हैं, उनका हम पार्शियल सम फाइंड कर लेते हैं उसी सीरीज का, फिर हम उसके लिए उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। यानी जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो आपने इस पार्शियल सम पर लिमिट यानी अप्लाई करनी है। तो अगर हमें लिमिट की वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और इसकी भी वही लिमिट होगी जो कि पार्शियल सम की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट था। तो आगे हम देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल सम को यानी ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। द गिवन सम इज समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 1 ओवर के प्लस 2 एटा माइनस 1 ओवर के प्लस 1 प्लस 2 एटा। फर्स्ट वी डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। पार्शियल सम को स्टूडेंट हम एस एन से डिनोट करेंगे मोर प्राइसाइसली। तो एस एन स्टूडेंट्स किसकी इक्वल है, k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, पहले था स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने n लिख लिया। ठीक है, यानी हमने n टर्म्स तक हम क्या कर रहे हैं कि इस सीरीज की वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो हमारे पास ये टोटल सीरीज है, यानी इसकी वैल्यूज को हम n टर्म्स तक क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यानी पार्शियल सम निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर पहले इन्फिनिटी था, तो हमने यहाँ पर n यूज किया है। तो आप क्या करें कि k की वैल्यूज को पुट करते हैं कहां तक स्टूडेंट्स, n तक, यानी 1 से स्टार्ट करें अप टू सो n तक। जब आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो साथ में आ जाएगा 1 यानी माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर देखें 2 आ चुका है, 2 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस आ जाएगा, और इधर आप अब k की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 1 ओवर 2 प्लस 2 आयोटा, फिर ये माइनस वैसा 1 ओवर अप टू प्लस 1 3, तो आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3 प्लस 2 आयोटा प्लस इस तरह अप टू सोन। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप पहले n माइनस 1 पुट करेंगे, यानी आप यानी आपने 1 से स्टार्ट किया अप टू सोन, इधर आप लिखेंगे n माइनस 1 और इधर आप पहुंचेंगे n तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप n की k की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1 ओवर n माइनस 1, यानी k की जगह n माइनस 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस k की जगह आप लिख रहे हैं n माइनस 1, तो ये प्लस 1 उस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 2 आयोटा। फिर आप सिंपल क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर n प्लस 2 आयोटा माइनस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू किससे कैंसिल होगी, यानी ये वाली स्टूडेंट सॉरी ये वाली पहली वैल्यू क्या होगी, किसी से भी कैंसिल नहीं होगी, ये वाली टर्म जो सेकंड होगी ये थर्ड से कैंसिल हो जाएगी, जो हमारे पास होगी फोर्थ टर्म ये फिफ्थ से कैंसिल हो जाएगी, इस नाम टू सॉन। तो ये वाली टर्म स्टूडेंट्स ये किससे कैंसिल होगी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास यानी इससे जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो उससे कैंसिल होगी, तो इस तरह ये कैंसिल इससे कैंसिल। तो हमारे पास एक ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगी।
तो आप जब पार्शियल सम निकालते हैं तो हर केस में हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी जो एन टर्म होती है, जब आप यानी के की वैल्यू एन पुट करते हैं तो वही दो टर्म्स हमारे पास रह जाती हैं, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर सिंपल एस एन की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/(1+2)-(n+1+2)। यानी ये हमारे पास पार्शियल सम की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमने स्टूडेंट्स इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। तो पहले स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं कि इसको कोई सीक्वेंस मान लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हम अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको एक सीक्वेंस बना लेते हैं, इस पर थ्योरम 6.11 अप्लाई कर लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखिए अब हम इसे एक सीक्वेंस बनाएंगे और आगे इस पर वो थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, नो डिफाइंड जेड एन, यानी उस वैल्यू को हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर ली। तो देयरफॉर अब हमने इस सीक्वेंस को चेक करना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम वही थ्योरम 6.11 यूज करेंगे। तो उसे यूज करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, रियल ऑफ जेड एन और इमेजिनरी ऑफ जेड एन में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यानी इस टोटल वैल्यू यानी n+1-2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर आपने ये मल्टीप्लाई किया जब 1 के साथ, यानी 1 × (n+1−2)। तो हमारे पास आ चुका है (n+1−2)। तो एक नीचे ये प्लस वाली थी और ये नीचे एक माइनस वाली थी, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा (n+1)² + 4 आ जाएगा। तो अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, इस टोटल वैल्यू को जो नीचे वाली वैल्यू है आप इसे (n+1) पर भी डिवाइड करें और -2 पर भी डिवाइड करें, तो ये बन जाएगा (n+1)/(n+1)² + 4 -2/(n+1)² + 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये टोटल रियल ऑफ जेड एन है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इमेजिनरी ऑफ जेड एन की है। देखें स्टूडेंट्स रियल ऑफ जेड एन, तो इस पर लिमिट अप्लाई करने के लिए हम इसे मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाले टर्म से आप एन कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1+1/(n). तो इस नीचे वाले टर्म से भी एन कॉमन लें तो ऊपर स्क्वायर भी है तो सिंपल ये आ जाएगा (n²) इनटू आ जाएगा 1+1/(n²), इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स (+4)(n²). ठीक है स्टूडेंट्स, 4/(n²). तो अब देखें स्टूडेंट्स इस n से ये एक n कैंसिल, जब ये ऊपर n जाएगा, जब ये वाला n ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1/(n), इधर आ जाएगा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इधर ये वाली टर्म आ जाएगी 1/(n+1)² और नीचे आ जाएगा 1+1/(n²)+4/(n²). अब जब आप लिमिट देखेंगे तो ये लिमिट भी जीरो है, ये लिमिट भी जीरो है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स 0/(0)), हमारे पास जीरो होता है। तो आप देख सकते हैं कि रियल ऑफ जेड एन की लिमिट हमारे पास जीरो आ चुकी है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रियल ऑफ जेड एन इज इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट देखते हैं इमेजिनरी के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमें इमेजिनरी ऑफ जेड एन की वैल्यू गिवन है। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए आप इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो यह आ जाएगा 2/, आप इस टर्म से यानी आप एन कॉमन लें और ऊपर स्क्वायर है तो यह आ जाएगा (n²)/ आ जाएगा 1+1/(n²) और इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स सॉरी 1+1/(n), इधर स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 4/(n²). ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इस (n²) को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/(n²), नीचे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1+1/(n) इस होल का स्क्वायर
प्लस आ जाएगा 4 ओवर एन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट अप्लाई करें तो ये भी जीरो आ जाएगी लिमिट, तो जीरो समथिंग जीरो। तो जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, तो इस तरह रियल की लिमिट आई है स्टूडेंट जीरो, इस तरह अब इमेजिनरी ऑफ जेनेटिक लिमिट भी जीरो आ रही है। तो अगर आप इस पर थ्योरम 6.11 यूज करें तो ये जो हमने अभी सीक्वेंस बनाई थी वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी और उसकी लिमिट क्या थी, जीरो थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करें कि पार्शियल सम में आप उस वैल्यू की जगह जीरो पुट कर दें, यानी क्योंकि हमारे पास वो लिमिट आ चुकी थी उसकी जीरो। तो देखें स्टूडेंट्स, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन विच इज इक्वल टू 1/(1+2i). अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर एन नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि हमने नेक्स्ट वैल्यू को ही क्यों सीक्वेंस बनाया था। ठीक है, ये हमने इससे ही सीक्वेंस क्यों बनाया था, वजह यही थी कि स्टूडेंट्स कि अगर हमने इस टोटल की सीक्वेंस लिमिट फाइंड करनी थी तो इसे हमने एक और सीक्वेंस बनाकर उस पर हमने थ्योरम 6.11 यूज कर लिया था, तो इससे हमें पता चल चुका है कि इसकी लिमिट जीरो है। तो देखें स्टूडेंट्स, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी एस एन विच इज इक्वल टू 1/(1+2i) प्लस इसकी जगह यानी उस वैल्यू की जगह हमने ये जेड एन लिख लिया था। यहाँ पर आप क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, तो ये माइनस लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी जेड एन, तो हमें ये पता है कि इसकी लिमिट क्या है, जीरो है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल 1/(1+2i). इसे आप लिख सकते हैं 1/5 - 2/5i। तो ये पार्शियल सम की लिमिट है स्टूडेंट्स। तो दिस इंप्लाइज फाइनली वी कंक्लूड दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, और ये उसकी क्या है लिमिट, यानी जो हमें सीरीज गिवन थी ये वाली सीरीज, ये क्या है एक कन्वर्जेंट सीरीज है और ये उसकी क्या है लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है एल की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये एक सीरीज गिवन थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से पार्शियल सम की वैल्यू फाइंड करेंगे। पार्शियल सम की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस आयोटा को साइड पर रखेंगे, ये आयोटा आ जाएगा इधर, समेशन आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n, यानी हम क्या कर रहे हैं nth वैल्यू का पार्शियल सम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम n यूज करेंगे, इधर आ जाएगा 1/(k-1/k+1). तो देखिए स्टूडेंट्स 1/(k)(k+1), इसे हम लिख सकते हैं 1/(k-1/k+1), ये आप लिख सकते हैं। जब आप इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो देखें इसका एलसीएम आता है k into k+1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर अब यहाँ पर k है तो इधर ऊपर आ जाएगा k+1, इधर k+1 है तो ऊपर आ जाएगा -k, तो -k से ये +k कैंसिल, आ जाएगा सिंपल 1/(k)(k+1). तो हम 1/(k)(k+1) की जगह 1/(k-1/(k+1) भी पुट कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पर k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें 1 से लेकर n तक, तो ये योटा 12 आ जाएगा, n2 आ जाएगा 1, यानी 1/(1, 1) - 1/2, फिर +1/(2, -1/3), इस तरह टू सॉन, ये आ जाएगा -1/(n). तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये उस आगे वाली वैल्यू कैंसिल, ये वाली उससे, इस वैल्यू से कैंसिल, ये दोनों इससे कैंसिल, और सिंपल आ जाएगा योटा (n)(1, -1/(n). देयरफॉर वी गेट एस एन विच इज इक्वल टू 1 - 1/(n). सो वी हैव रियल ऑफ जेड एस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, आप देखें यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो 0 है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, सो वी कंक्लूड दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रियल ऑफ जेड एन इज इक्वल टू 0, यानी जो पार्शियल सम था इसका जो रियल पार्ट था वो 0 था, तो जब रियल पार्ट भी 0 गिवन है तो उसकी जब आप लिमिट फाइंड करेंगे तो वो भी 0 आएगी। अब देखते हैं कि इमेजिनरी पार्ट की चेक कर लेते हैं लिमिट क्या आती है। नो इमेजिनरी ऑफ जेड एन विच इज इक्वल टू 1 - 1/(n), जब आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/(n), तो ये आप फाइंड करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आती है 1 - 0
तो ये बन जाएगा वन। आप देख सकते हैं कि लिमिट जब हमने फाइंड की तो ये हमारे पास क्या आती है, वन। सो नो वी कैन यूज थ्योरम 6.11। सो एस एन कन्वर्जेस टू ए प्लस एटा बी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ रियल ऑफ जेड एन कन्वर्जेस टू ए एंड इमेजिनरी ऑफ जेड एन कन्वर्जेस टू बी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इन अवर केस इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू वन। सो एस एन कन्वर्जेस टू एटा, सिंपल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो ये हमें सीरीज गिवन थी ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है और इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, एटा। बिकॉज पार्शियल सम की लिमिट हमारे पास एटा है तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इस तरह का हमारे पास प्रश्न आता है जिसमें हमने पार्शियल सम को फाइंड करना होता है तो जो भी पार्शियल सम की यानी जो हम nth वैल्यूज के लिए पार्शियल सम फाइंड करते हैं तो जो भी उसकी लिमिट आएगी स्टूडेंट्स वही हमारे पास सीरीज की लिमिट आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये पार्शियल सम ही डाइवर्जेंट होता इसका मतलब था ये जो गिवन सीरीज थी वो भी क्या होती, डाइवर्जेंट। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम देख चुके हैं कि जो भी हमने क्वेश्चन भी फाइंड किया है उन सब की लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और वो सारी की सारी सीरीज या सीक्वेंस क्या थी, कन्वर्जेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।